टिप है मेरे तरफ से वो है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं इसका अपना एक लिस्ट बना लो, ठीक है, और उस लिस्ट को क्या करो अपने वॉल में पेस्ट कर दो, ताकि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उसकी प्रीवियस नाइट आप उन सारे चीज़ों को एक साथ अरेंज करके एक जगह पर रख पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह उठने के बाद आप ढूंढ रहे हो कि मेरा पेंसिल किधर गया, मेरा पेन किधर गया, तो ये सारी चीज़ें आप गलती ना करो, इस वजह से चीज़ों को पहले से ही चेकलिस्ट बनाकर रख लो। टिप नंबर सेकेंड, डैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है पेपर प्रेजेंटेशन का, अगर बेटा आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाओ आ जाकर उसको देख लो। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो आपको मार्क्स दिलाती है। अगर मैं कहूँ कि आप कितने अच्छे बच्चे हो, आप कितने स्मार्ट बच्चे हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर के पास सिर्फ आपका पेपर रखा होता है, आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है वो बस वही देखेगा, और अपने क्या लिखा है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो वो मार्क्स आपको अच्छे से नहीं देगा। थर्ड टिप मेरा ये है कि डोंट डिस्कस योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंसेस विद योर फ्रेंड्स। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई तेरा एग्ज़ाम कैसा गया, अरे बताना कैसा गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही पूछते हैं कि और कहाँ तक कंप्लीट हो गया तेरा, अरे मैंने ये कर लिया। तो अब इससे होगा क्या कि अगर सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा कर रखा होगा तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अगर सामने वाला इंसान आपसे कम कर रहा होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये दोनों ही सिनेरियो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपने परफॉर्मेंस, आपका अपना जो एनालिसिस आप जो कर रहे हो, प्रिपरेशन जो है वो किसी से डिस्कस नहीं करना है, वो आपको अपने तक ही रखना है। जब एग्ज़ाम सारे दे दो सब करना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम दे के आने के बाद आंसर्स मिलाते हैं, तो बेटा ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एग्ज़ाम देकर आने के बाद उस सब्जेक्ट के आंसर्स मत मिलाना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इससे होगा क्या, इससे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो आपका कॉन्फिडेंट होगा वो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, अगर मार्क्स आपके कम आ रहे होंगे। तो सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद करना। टिप नंबर फोर, सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड हैव पेशेंस। तो बेटा अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। अभी एग्ज़ाम के समय में आपकी सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी स्टडी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सुबह उठो तो स्टडी, दोपहर को स्टडी, शाम को स्टडी, आपको क्या करना है, कुछ समय जो है वो अपना बचा लेना है, ताकि वो समय आप अपने फैमिली के साथ रहो, वो समय आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लो, वो समय आप नेचर में थोड़ा सा घूम लो। क्योंकि सिर्फ दिन रात पढ़ते रहोगे, दिन रात पढ़ते रहोगे तो आपका ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं करेगा और चीज़ों को प्रोसेस करने में बड़ा टाइम लेगा। इसीलिए इवनिंग के समय में खास तौर पर कम से कम एक घंटा बचा लो, और उस एक घंटे में थोड़ा रिलैक्स हो, माइंड को थोड़ा सा टेंशन से दूर रखो, ताकि आप जब उसके बाद पढ़ने बैठो तो आप रिलैक्स्ड फील करो और काफी अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट टिप हमारा है, दैट इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम एनी सोशल मीडिया। अभी बेटा आपकी पहली प्रायोरिटी आपका एग्जामिनेशन है, इस डेढ़ से दो महीने के बीच अपने आप से कसम खाओ कि मैं कोई भी ऐसे एक्टिविटी में अपना एक मिनट भी नहीं दूंगा, या एक मिनट भी नहीं दूंगी जो आपके मार्क्स को बूस्ट ना करता हो, जो आपके एग्जामिनर के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो। तो किसी भी जगह पर स्टेटस लगाते रहना, कहीं भी जाकर टाइम पास करना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल गलत है। आपको डेफिनेटली इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और जिस चीज़ का आपको बेनिफिट ना मिले वो काम आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर चिल मारना, फिर जितने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करने हैं, जितने रील्स देखने हैं सब करना, लेकिन अभी कुछ समय के लिए अपने आप को रोक कर रखो। ऐसा कहते हैं कि जिन बच्चों के अंदर पेशेंस होता है वो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। सो हैव पेशेंस। नेक्स्ट, ट्राई टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब देखो, स्ट्रेस एंड एंजाइटी दो प्रकार का होता है, एक एग्ज़ाम से पहले, एक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो देखो बेटा, मैं अपने आप से एक कोट कहता हूँ और मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ कि एंजाइटी इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ फॉर एन एम्बिशियस पर्सन। तो अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो आपको एंजाइटी से दूर रहना है। जब देखो एंजाइटी हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न ढूंढो और उसे वहीं पर सॉल्व करो। दूसरा कोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है, इफ़ यू कांट मैनेज स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस। तो अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो आप सक्सेस को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो कई बार जब मैं एग्जामिनेशन देता हूँ और कुछ काम करता हूँ, मुझे स्ट्रेस आने लगता है, तो बस मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं इससे डील करूँ।
किस तरीके से, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मुझे स्ट्रेस हो रहा है। कई बार जब आप पढ़ने बैठते हो तो दो तीन कॉपीज एक साथ खोल लेते हो, दो तीन पेपर्स एक साथ खोल लेते हो, तो वहाँ भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते कम हैं और ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, अरे ये इतना सारा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं आया तो क्या होगा। तो बेटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। आई रिपीट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये एग्जामिनर के हाथ में है। आपके हाथ में तो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है, आपकी पढ़ाई है। तो आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दो, जब भी माइंड में कोई भी ऐसी थिंकिंग आती है माइंड को ब्लॉक करो कि नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस अपना पढ़ना, जो होगा एग्जाम में देखेंगे, बस अभी मुझे अपना क्लियर करना है, ठीक है। चलो दूसरी बात कि एग्ज़ाम के समय में अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आप एक च्युइंगम अपने पास रखो और उसको खाकर ही अंदर जाना। दैट मीन्स जब आप च्युइंगम चबाते हो तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि च्युइंगम चबाने से आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा होता है उस समय वो कम होते जाता है। तो इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम के समय में स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आप एक च्युइंगम चबाते हुए एग्ज़ाम दो, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको देखे तो उसके मुंह के सामने मत चबाने लगना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि लास्ट मिनट मगअप। अब लास्ट मिनट मगअप आपको नहीं करना। अब लास्ट मिनट मगअप का मतलब क्या हुआ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक्स या कॉपीज़ या नोट्स लेकर सेंटर चले जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर, और वहाँ बैठ के पढ़ने लगते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप जैसे ही घर से निकल रहे हो कसम खाओ कि मैं कॉपी किताब कुछ नहीं छूऊंगा, उस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ माइंड में आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में, एंड बी पॉजिटिव इन योर सेल्फ, ठीक है। सपोज करो कि आप एग्ज़ाम देने गए हो और आपका कोई दोस्त आकर बोलता है, री सुनना ये वाला टॉपिक थोड़ा बता ना, ये टॉपिक पढ़ा ना तूने, कहीं वो टॉपिक आपके लिए एकदम न्यू निकला तो आप क्या करोगे, आपका तो दिमाग एकदम ब्लो कर जाएगा ना। तो इसीलिए ऐसे चीज़ों से दूर रहना। होता क्या है कि जब आप लास्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तो उस समय आपका माइंड ना उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है और जो आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है उस पर फोकस आपका कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि पुराने चीज़ों से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप डर जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे। मान लो पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए लास्ट मिनट मगअप नहीं करना। जो पढ़ के जा रहे हो घर से जाओ, कोई नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना, जो पढ़ा है जितना पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर जाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डोंट ड्रिंक मच वाटर बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले खूब सारा पानी नहीं पी लेना। एग्जाम के समय में स्ट्रेस हो रही हो या डर लग रहा हो, नर्वस हो रहे हो, तो खूब सारा पानी मत पी लेना। इससे क्या होगा कि आपको सुस्सू लग जाएगा, है मतलब टॉयलेट आ जाएगा। और टॉयलेट जाना मना नहीं होता, लेकिन अगर आप टॉयलेट बार बार जाओगे या फिर टॉयलेट जाओगे तो 5 मिनट तो मिनिमम चला जाएगा आपका एग्जाम का, ठीक है। तो 3 घंटे आपको थोड़ा होल्ड करके रहना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पानी कम से कम पीना, सिर्फ इतना ही पियो जितना आपका जो टंग है ना वो भींग जाए, बस उससे ज़्यादा पानी मत पीना। नेक्स्ट, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग देम थ्रूली। कई बार क्या होता है कि हम जब क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं और उसको हम सही से नहीं पढ़ते, हम ना ऊपर ऊपर से पढ़ के आंसर देने लगते, तो ये गलती मत करना। आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्या उसमें दिया गया है, तब जाकर आंसर दो। पता चला आंसर देने के बाद, अरे यार क्वेश्चन तो कुछ और पूछा था, मैं कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर आप उसको कट कर रहे हो, खराब लगेगा ना, पेपर प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करो, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर आप देने जाओ। नेक्स्ट, अंडरलाइन द नॉट वर्ड। हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार आपके क्वेश्चन में नॉट लिखा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड। तो जब भी आपको नॉट दिख जाए ना उसको आप पेंसिल लो और डार्क कर लो वहाँ पे नीचे अंडरलाइन। जब आप वापस से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि जो सही है उसको टिक मार दें, ठीक। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना। जो भी नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही सीरियस होते हैं, खतरनाक होते हैं, बीच में घुसे होते हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलता, पूछ रहा होता है कौन इसमें से सही नहीं है और बच्चे मार के आ जाते हैं कौन इनमें से सही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि कॉपिंग द इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं साइंस के न्यूमेरिकल्स की बात करूं, मैथ के न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो बच्चे कई बार हड़बड़ी में गलत इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। नंबर में 6.52 दिया हुआ है और आप वहाँ पे 6.25 लिखकर बनाए जा रहे हो, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, आप पागल हुए पड़े हो। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना,
जो इंपॉर्टेंट न्यूमरल्स दिए हुए हैं उन न्यूमरल्स को अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या दिया हुआ है, और एक्यूरेटली उतार कर ही उसको बनाने जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बैड ग्रामर एंड पुअर स्पेलिंग। आपको कोशिश करना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करो और जो स्पेलिंग है उस पर थोड़ा ध्यान रखो। उल्टे पुल्टे स्पेलिंग लिख कर मत चले जाओ, अगर हो गया तो उसको सिंगल लाइन में कट करो और सही लिखो। नेक्स्ट क्रम्ड एंड टाइनी हैंडराइटिंग। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम छोटे छोटे लिखते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो एग्जाम में मुझे ज़्यादा मार्क्स देगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, दो वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर सा डिस्टेंस छोड़ना है, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़े बड़े मत लिखना, बिटवीन में लिखना, बीच में लिखना। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे एकदम कर्सिव में एकदम लिखने लगते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर अगर आपको समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है तो मार्क्स कहाँ से देगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। ठीक है, तो ज़्यादा घीच पीस करके नहीं लिखना, ज़्यादा कर्सिव यूज़ नहीं करना है, और थोड़ा स्पेस देना है और थोड़ा साफ साफ लिखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टिप है। बहुत सारे मैंने आपके लिए टिप लाए हैं और सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है, आप देख कर समझ सकते हो। टिप नंबर 14 हमारा है कि टेक द लास्ट पेज एज रफ वर्क। आपका जो लास्ट पेज होगा ना, उस लास्ट पेज को ऊपर में वहाँ पे लिख लेना रफ वर्क, और उसको पूरा रफ करना वहाँ पे, जो भी कट-कुट करना है वो पीछे करना वहाँ पे। ऐसे भी जो मैंने बताया था, एक राइट साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह जब बना रहे हो तो सॉल्यूशन वहाँ पे कर सकते हो, वो भी अलाउ है और वो करना ही चाहिए, ज़रूरी भी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब भी आप मैथ्स बना रहे हो, साइंस बना रहे हो, तो ब्रैकेट में वो चीज़ कहाँ से आया वो ज़रूर लिख देना वहाँ पे। ठीक है, मान लो अगर कोई फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो वो फॉर्मूला वहाँ पे बगल में ज़रूर लिख देना, ताकि एग्जामिनर को अपना दिमाग ना यूज़ करना पड़े। ध्यान रखना, एग्जामिनर को 1% भी दिमाग ना यूज़ करना पड़े, उसको सारी चीज़ें दे दो वहाँ पे, वो देखे और सिर्फ टिक मारे और वहाँ से निकल जाए। ठीक, आगे चलते हैं। सेव 10-15 मिनट्स टू रिव्यू योर आंसर्स। तो लास्ट के 10-15 मिनट हर एक पेपर में आपको बचा लेने हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर सको, और साथ साथ में अगर कोई मिस्टेक आपने कर रखी है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ गलत टिक लगा लिया हो, या फिर अगर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो गया हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया हो, तो उन सबको करेक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा टाइम बचा कर रखना। ठीक है, कोशिश करना कि वो बचा लो आप। नेक्स्ट 16 नंबर रूल है हमारा, दैट इज़ ड्रॉ फिगर्स विद पेंसिल्स। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बता रखा है कि कभी भी मैथ्स एंड साइंस में फिगर कभी भी पेंसिल से मत बनाना, पेन से मत बनाना, आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। और ब्लैक पेन तो गलती से भी मत लेके जाना, ब्लैक पेन का कहीं यूज़ मत करना, ओनली ब्लू बॉल पेन। नेक्स्ट 17 नंबर है कि गिव एग्जाम्पल्स इन साइंस वेन एवर इट इज़ नेसेसरी। साइंस में अगर मान लो कोई आप टर्म डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे एग्जांपल भी दे देना। जैसे आप कोई रिएक्शन के बारे में बता रहे हो, तो रिएक्शन वाले सेंटेंसेस में आपको वहाँ पे एग्जांपल देना मस्ट है। आप एग्जांपल दोगे तो इससे आपको प्लस पॉइंट बनता है और आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जांपल ना देने की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए एग्जांपल इज़ मस्ट। नेक्स्ट डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो एक काम तो बेटा आप याद रख लो, मैथ साइंस एसएसटी की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों में एनसीईआरटी क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन कि जो छोटे छोटे आपके बॉक्सेस होते हैं ना, डू यू नो, ऐसे करके आज जो एक्टिविटी वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सारे को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवीजन कर लो। पीवाईक्यू भले ही छूट जाए, इट डजंट मैटर, एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, चाहे वो मिसलेनियस भी क्यों ना हो। एनसीईआरटी आपको सारे कंप्लीट कर लेने हैं, सॉल्यूशन नहीं आता है आप नेट से निकाल के देख लो, अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन एनसीईआरटी आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही जानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर टिप है कि टेक प्रॉपर स्लीप एट नाइट बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, 2-3 दिन का अगर आपके पास गैप है, आप थोड़ा लेट नाइट सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, चलता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसके पहले दिन ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप सही से सोओगे नहीं, आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, ये रिलैक्स्ड नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, टिपिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जो भी एग्जाम वाला दिन है उसके पहले वाले दिन जरूर अच्छे से सोना, कम से कम 6-8 घंटे की नींद नहीं लेना। उस दिन आप 10 ही बजे सो जाओ क्यों ना, लेकिन जल्दी सो जाओ। 20 नंबर हमारा जो टिप है वो है डोंट पैनिक इफ योर क्वेश्चन इज नॉट फैमिलियर टू यू। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में बैठे और कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपके फैमिलियर में ना हो, तो ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलो कि जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकता है तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हो। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के चलो बेटा कि कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, होंगे,
ये रख लो आप। एक दो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, सारे पेपर में होंगे जो थोड़े से टिपिकल हो, थोड़े से हाई लेवल वाले हो, तो उसमें डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और रिकॉल करना है कि आपने पढ़ा क्या है, और कोशिश करना है कि उसको वहाँ बनाने का। क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए, सपोज़ करो कि आप पैनिक हो गए, तो पैनिक होने से तो एक ऐसे भी नहीं बनने वाला, ऊपर से आप गलत करके आओगे, कहीं छोड़ दिया तो मार्क्स भी चला गया। तो इसलिए कोशिश करना है कि अपने आप को शांत रखो, ठीक है, माइंड को शांत रखो, क्योंकि अगर दिमाग अशांत हो गया तो आप इजीली चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके फैमिलियर में ना हो, तो घबराना मत, उसको वहीं पे बैठो, दो तीन गहरी सांसें लो और कोशिश करो कि आप उसको बार बार पढ़ो और रिलेट करने का प्रयास करो, और लिख कर ही आओ, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, खाली नहीं छोड़ना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे बना कर आना, कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर जरूर आना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ।